सबसे पहले भाई तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत सही है कि नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद भाई तुम्हारी तबीयत सही हो या ना हो, हालत तो पक्का खराब होने वाली है। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे भाई लोगों को कभी भी कुछ हो, तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत कुछ होने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूं एलेक्स और स्वागत है आप सबका हमारे अपने वाइल्ड एलेक्स चैनल की नई लॉन्ग वीडियो में। एंड जैसा कि थंबनेल में आप सबने देखा ही होगा, आज हम लोग फ्री फायर कम्युनिटी के टॉप 5 अनडिफीटेड क्लैश स्क्वाड लेजेंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और भाई से बात ही नहीं करेंगे, उनका जब गेम प्ले दिखाएंगे ना तब आप शॉक हो गए। नाम तो नॉर्मल है लेकिन उनके काम बहुत ही बड़े हैं। तो इस लिस्ट में टॉप 5 नंबर पे आते हैं स्मूथ 444, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 साल के हैं। एंड इनका गेम प्ले मेरे भाई आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि कितना जहर टाइप का है। एंड ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है यार, इनके जो भाई सेटअप ग्लू वॉल बैठने की ट्रिक है ये मेरे को सबसे जहर लगती है। और जब ये अपना हेडशॉट मारते हैं जो इनकी एक्यूरेसी होती है वो डायरेक्ट भाई हेड पे होती है, मतलब हम लोग मारते हैं तो भाई बॉडी पे पड़ जाता है लेकिन भाई इनका तो डायरेक्ट हेड पे ही एम जाता है यार, मतलब कोई हैकर से कम नहीं है। और सिर्फ 15 साल के हैं। और उससे भी अच्छी बात ये है कि ये हमारे इंडिया से रिलेट करते हैं यार। और ये अपना गेम प्ले सिर्फ और सिर्फ पीसी में करते हैं, पहले ये गेम प्ले अपना मोबाइल में करते थे लेकिन उसके बाद एक बार इन्होंने अपना गेम प्ले पीसी में किया और फिर भाई आप देख ही सकते हो यार इनके कारनामे। और इसी लिस्ट में टॉप 4 नंबर पे आते हैं अपने राइट चार दादा, जो कि इंडिया के नंबर 1 हेडशॉट किंग माने जाते हैं। और माने क्या जाते हैं यार, है भी, क्योंकि इंडिया में सबसे पहला हेडशॉट तो इन्होंने ही मारा था। एंड इनके बारे में मैं क्या बताऊं यार, सब तो आपको पता ही है क्योंकि जितने भी बंदे हेडशॉट मारना सीखे हैं तो इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइस्टार भैया से सीखे हैं, क्योंकि वो सबसे पुराने हेडशॉट किंग है यार और अभी के टाइम पे भी उनका जलवा चलता है। जलवा है हमारा। एंड बाकी आप बैकग्राउंड में इनका गेम प्ले देख ही सकते हो, ये ऑल टाइम मेरे भाई कस्टम में ही रहते हैं, कभी 1v6 तो कभी 1v4। एंड 1v8 को छोड़ते होंगे कि नहीं छोड़ते होंगे ये भी नहीं पता यार। तो इसी लिस्ट में टॉप 3 नंबर पे नाम आता है एमेटन भैया का। अब बहुत बंदे एमेटन भैया को नहीं जानते होंगे तो गाइस मैं पहले ही बता देता हूँ, आप सबके लेजेंड तो होंगे राइस्टार, ठीक है, लेकिन राइस्टार के गुरु जी कौन है, वो है एमेटन भैया। और राइस्टार ने अपना गेम प्ले एमेटन भैया से ही सीखा हुआ है, तो आप खुद ही सोच सकते हो यार एमेटन भैया कौन से लेवल का गेम प्ले करते होंगे। और ये सिर्फ सीएस में ही नहीं पर मूडा बाकी जितने भी यार सब में कुत्ते की मौत मारते हैं, समझ लो भाई। और इनको कोई सा भी मोड लगा के देख लो, हम लोग भाई जितनी मेहनत करके हेडशॉट मार पाते हैं ग्लू वॉल लगाते हैं बड़े खुश होते हैं। और ये पता है कैसे करते हैं, इनके लिए तो भाई समझो ये चींटी को फूंक मार रहे हैं। हाँ यार लिटरली इनका गेम प्ले इतना ज्यादा जहर है और इतना एक्यूरेट हेडशॉट मारते हैं भाई मजा आ जाती है। और गेम के अंदर जो पर्पल किमलर इतना फेमस हुआ है ना, सबसे पहले इन्होंने ही पहनना स्टार्ट किया था और इनकी वजह से ही फेमस हुआ है मेरे भाई। और इसी लिस्ट में टॉप 2 नंबर पे आता है विंसेंजो का। अब बहुत बंदे सोच रहे विंसेंजो का कैसे यार, तो गाइस मैं पहले ही बता देता हूँ, विंसेंजो फ्री फायर के एक अलौते ऐसे प्लेयर हैं जो स्टार्टिंग से मतलब जब से फ्री फायर लॉन्च हुआ है तब से फ्री फायर के अनडिफीटेड क्लैश स्क्वाड प्लेयर रह चुके हैं। और रह चुके ही नहीं यार, अभी भी हैं। और इन्होंने अब तक की फ्री फायर को सबसे ज्यादा चीजें दी हैं क्योंकि गेम के अंदर किसी को भी हेडशॉट मारना नहीं आता था, वो भी इन्होंने ही बताया अपने यूट्यूब चैनल पे डालकर। और दूसरे नंबर पे किसी भी बंदे को 360 ग्लू वॉल लगाना नहीं आता था यार, सब ऐसे ही मतलब सिंपल एक ग्लू वॉल लगा देते थे। और गेम के अंदर 360 ग्लू वॉल लगाना भी इन्होंने ही सिखाया अपने YouTube चैनल पे डाल के। और अभी के टाइम पे इनकी फैन फॉलोइंग मेरे भाई मिलियंस में पाई जाती है और कसम से बता रहा हूँ ये मेरे फेवरेट प्लेयर हैं यार। आपके कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फाइनली इस लिस्ट में टॉप 1 नंबर पे आते हैं वर्ल्ड फास्टेस्ट प्लेयर, अनडिफीटेड क्लैश स्क्वाड प्लेयर, अनडिफीटेड 1v2 प्लेयर, अनडिफीटेड 1v4 प्लेयर, अनडिफीटेड 1v6 प्लेयर, अनडिफीटेड 1v8 प्लेयर, द वन एंड ओनली 5444। एंड आप सब इनका नाम जरूर सुने होंगे, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। और बहुत सारे बंदे इनको बहुत कायदे से जानते हैं और बहुत बंदे ऐसे भी कहते हैं कि यार ये हैकर हैं। तो गाइस मैं पहले बता देता हूँ, राइस्टार, विंसेंजो, ये जो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, एमेटन, ये सब भाई इनको इंस्पिरेशन मानते हैं और ये भी बताते हैं ये कोई हैकर नहीं है। अब जो इतने बड़े यूट्यूबर है वो खुद जान गए कि ये हैकर नहीं है तो वो बंदा कहां से हैकर हो सकता है यार। बस वही बंदे इनको हैकर बोलते हैं जो खुद हेडशॉट मार ही नहीं सकते। एंड आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप उसको कायदे से नहीं जानते हो तो उसके बारे में हेट भी मत फैलाओ यार, क्योंकि जो बंदा जो चीज कभी बन नहीं सकता तो वो दूसरों को भी बनने नहीं देता, ये हमेशा याद रखना। एंड इनके बारे में मैं क्या बताऊं यार, इतना तगड़ा इनका गेम प्ले, इनका हेडशॉट मारने का स्टाइल, इनका सेटअप ग्लू वॉल, इनका 360 ग्लू वॉल, हर एक चीज बिल्कुल ओपी है यार। और ये हर एक चीज में डायरेक्ट हैकर लेवल का खेलते हैं और हैकर कैसा खेलते हैं वो आप सबको पता है, मतलब ट्रेसिंग तो नहीं करते हैं लेकिन भाई हेडशॉट से नीचे बात ही नहीं करते हैं। एंड बाकी भाई स्क्रीन पे आपको सबूत दिख ही रहा
करना होगा। तो फाइनली आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक एक सिर्फ और सिर्फ एक लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं मांगता यार, कुछ भी नहीं, एक लाइक कर देना। ना तुम्हारा एक रुपया जा रहा है, ना मेरा एक रुपया जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा यार। तो एक लाइक जरूर से कर देना, और हो सके तो यार शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में अगले टॉपिक के लिए वीडियो बता देना यार किस लिए बनाओ, ठीक है। और लॉन्ग वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है, तो सपोर्ट करते रहना, ठीक है यार। चुपे चुपे।